नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के अगर बहुत ही फ्रेश कमाल हरियाली के बीच शुरू होने वाले इसी बहुत शानदार से एपिसोड में। और आज मैं अकेला नहीं हूं, यहां पे हमारे साथ में हैं भारत सरकार के माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ में आप देखते हैं मिनिस्टर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सर से। मेरे पास में सवाल बहुत सारे हैं, सर उन सभी के बारे में जो जवाब देंगे तो हमको मालूम चलेगा कि किस तरीके से भारत ने जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है उसमें अभी तक एक सक्सेस हासिल की है और क्या क्या चीज़ें नो रही हैं पीछे, जो आज हमको मालूम चलने वाले हैं सीधा सीधा सर से। तो सर जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्ते। आज अगर आप ये सब बातें जब जनता को बताएंगे तो मालूम चलेगा कि किस तरीके से सरकार के प्रयत्न रहे हैं और आज हम इतनी मजबूत स्थिति में कैसे आ पाए हैं। सर हमने देखा था जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो उसके मामले बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे और हमने ये भी देखा दुनिया भर में जो हमको एविडेंस भी मिली कि ये मामले तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं और इसी के साथ साथ जो लोगों के मन में डर था कि अभी जो करंट नो उनकी सिचुएशन है क्या वो उसके खिलाफ सक्षम है कि नहीं बचाव के लिए, इसी के साथ साथ में वो दो साल से जूझते हुए नो अभी इस सिचुएशन में थे तो कहीं ना कहीं वो एक नो मानसिक तौर से भी हल्का सा कमज़ोर महसूस करते हैं। अब ऐसे में सर जो नई चुनौतियाँ आई और आपके लिए काम भी करना था साथ साथ लोगों को प्रेरित भी करना था, तो ये सब आपने कैसे किया सर? मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल का सदस्य हूँ। हमें हर संभव मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता है, मोदी जी का गाइडेंस मिलता है और एक गाइडेंस के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं जी। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना सेकंड वेव चल रहा था जी, और सेकंड वेव के दरमियान भी मैं फार्मा मिनिस्टर था ही जी, तो देश में मेडिसिन की किल्लत ना हो ये सब देखने की जिम्मेवारी मेरी थी ही। और उस वक्त आपने देखा होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की ज़रूरियात थी देश और दुनिया को जी, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करना, दुनिया में भेजना जी, तो सब लोग को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, कोविड में वो कारगत है जी। तो ऐसी स्थिति में रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाना, देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करना बहुत चैलेंज थी। मोदी जी हमें निर्देश करते थे हमारे इंडस्ट्रीज से बात करो, इंडस्ट्रीज से डायलॉग करो, उसको क्या सपोर्ट चाहिए उसको मदद करो। इंडस्ट्रीज से हमने बातचीत किया जी, और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी प्रति मंथ वो थी 20 से 25,000 की, उसको बढ़ानी थी क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। जी हमने केवल 4 प्लांट थे जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाते थे जी, okay। और 15 अप्रैल 2021 टू 15 मई एक महीने में जी हमने 62 प्लांट लगा दिया, कंपनियों को हर संभव मदद किया जी, उसको प्लांट लगाने के लिए जो भी अप्रूवल चाहिए वो फटाफट फटाफट भारत सरकार की ओर से उसको मिलने लगी, सपोर्ट मिलने लगा, उसको रॉ मटेरियल चाहिए हमने दुनिया से ला के दिया जी। और जो कैपेसिटी कम थी वो कैपेसिटी 1 करोड़ एबो प्रति मंथ का प्रोडक्शन पर हमने पहुँचा दिया और देश की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। इतनी तेजी से जो हुआ, तेजी से किया। और बाद में जब ओमिक्रॉन वेव स्टार्ट हुआ जी, तो हेल्थ मिनिस्टर के रूप में हमें क्या करना चाहिए, और ये केस वहाँ तेज़ी से बढ़ रहे थे लेकिन हमें ये पता चल चुका था जो साइंटिफिक एविडेंस ऐसा कहते थे कि वैक्सीनेशन जो जल्दी से जल्दी हो जाए जी, तो वैक्सीनेशन ऑल टाइप ऑफ वेरिएंट के सामने नागरिक को सुरक्षा देंगे जी, तो हम उसके पर लग गए जी। और देश में हेल्थ कर्मियों पर, हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्रीज पर, हिंदुस्तान के रिसर्च साइंटिस्ट पर जी, जिन्होंने देश में वैक्सीन का रिसर्च भी किया जी, देश में वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग भी किया, जितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ और उसको हमारे हेल्थ कर्मियों ने लगा दिया जी। और उस वक्त जब ओमिक्रॉन चालू हुआ तब हम देश में 100 करोड़ से अबव वैक्सीन डोज लगा चुके थे बिल्कुल सर, और उस वक्त हम 75% से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगा चुके थे जी। और बाद में हमने उसको तेजी से आगे बढ़ाया जी, तो उसका नतीजा ये निकला कि ओमिक्रॉन वेव में हम आसानी से बच गए जी। सर मेरा सवाल भी अगला यही था कि मतलब कई बार ग्लोबल एविडेंस हमको मिले ऐसे कि जो टीकाकरण है वो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं है ओमिक्रॉन के खिलाफ, लेकिन साथ के साथ बात ये भी रही कि भारत में जो वैक्सीन ड्राइव की एकदम जल्दी शुरुआत हुई जिस तरीके से और जितना तेज़ी से हुई तो कहीं ना कहीं शायद लोगों को यू नो एक राहत मिली और काफ़ी जानें हमने बचाई इस चीज़ से। एक गौरव उसमें महत्वपूर्ण विषय है वो समझने जैसा है जी। पहले
ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर जी की कभी कमी नहीं थी। सवाल था उसका सही समय पर उपयोग करना और उसका उसकी शक्ति को पहचानना। जी मोदी जी ने यही किया। मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट को कहा, भारत सरकार की रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारत सरकार की फार्मा कंपनियों सभी को साथ में बिठा के कहा कि आपको जो सरकार की ओर से मदद चाहिए, इस सरकार आपको मदद करेगी। और भारत सरकार ने 250 करोड़ रुपीज़ उसके लिए तुरंत ही आवंटित किया। जी सब लोग रिसर्च में लग गए। प्रधानमंत्री जी ने रिसर्च चल रहा था तब भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्वयं मुलाकात ली। वो फार्मा कंपनी जहाँ रिसर्च चल रहा था वहाँ गए जी और वहाँ साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया। उसका नतीजा ये निकला कि देश ने रिसर्च होने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। दुनिया वैक्सीन 9 महीने के बाद लेके आया, इंडिया भी वैक्सीन 9 महीने के बाद लेके आया। इतना ही नहीं, इंडियन रिसर्च इंडियन मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में आ गया। जो ये नहीं होता तो इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी, ऐसी स्थिति में हमारी रिक्वायरमेंट दुनिया की कोई कंपनी पूरी नहीं कर सकती किसी बात। और शायद कोई कंपनी ने हमने दिया तो भी इतनी महंगी वैक्सीन जिसके $20 एवं प्रति डोज की कीमत थी जी, उसके अलावा भी उसकी कई शर्त थी जी, इंडिम्निटीज क्लोज हटा दो, हमने सोवरिन गारंटी दे दो, ये सब करने के बाद हमें वैक्सीन मिलता। लेकिन ये मोदी जी का एफर्ट के कारण हमें समय पर वैक्सीन मिल गया। समय पर वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया जी। धीरे 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 मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता गया, सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सपोर्ट करती गई। और मुझे खुशी है 21 अक्टूबर 2021 में हमने 100 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर दिया जी, और एक वैश्विक बेंचमार्क हासिल किया। बिल्कुल सही बात। और आज हमने 177 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर दिया है। 18 एवो एडल्ट लोगों को 97% लोगों को हमने वैक्सीनेटेड कर दिया है। दुनिया में कोई कंट्री ने, डेवलप्ड कंट्री ने भी 97% डोज एडमिनिस्टर नहीं किया है जी। ये हिंदुस्तान की सफलता है, ये हिंदुस्तान के हेल्थ कर्मियों की सफलता है। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था तो उस वक्त कई कंट्री बोल रही थी हमने 85% फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया, लेकिन उसका पॉपुलेशन था केवल 85 लाख। ये हम डेवलप्ड, दूसरी एक कंट्री ने बोला, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, मैं डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ जी। एक कंट्री ने बोला कि हमने 78% फॉर हाफ मंथ में कर दिया जी, उसका पॉपुलेशन था 1.5 करोड़ जी। तीसरी एक कंट्री ने बोला कि हमने 68% 3 महीने में कर दिया, उसका पॉपुलेशन था 50 लाख। आप सब सुन रहे थे तो मैं सुन रहा था जी। तो मेरी बारी आई जी, तो मैंने कहा कि आप चार कंट्री ने जो कुल मिला के वैक्सीनेशन किसी ने 3 महीने में, किसी ने 4.5 महीने में, किसी ने 2.5 महीने में किया है फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर, इतना तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को एक ही दिन में, हमने एक ही दिन में 2.5 करोड़ डोज इंडिया में एडमिनिस्टर कर दिया था। तब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा आई एम स्पीकिंग राइटली, मैंने कहा मैं सही बता रहा हूँ, ये इंडिया ने करके दिखाया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, उसको परखने वाला चाहिए। ये मोदी जी ने परखा, ये आउटपुट इसलिए निकला। सर आपने मेरे एक ही सवाल के बदले 3-4 सवालों के एक साथ जवाब दे दिया डिटेल में। वैसे सर अगर हम बात करते हैं इंडिया में वैक्सीनेशन की, तो हमने देखा कितना तेज़ी से जो है वो पूरा रहा ये टीकाकरण अभियान। लेकिन हमको ये भी जब हम सोचते हैं तो कई बार यकीन नहीं होता कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे देश में है, कई बार बहुत ज़्यादा यू नो मुश्किल ज्योग्राफीज़ भी हैं देश में, पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान हैं, कहीं जंगल भी हैं। तो उस टाइम पे कुछ वीडियोस सामने आती थी जहाँ पे देखते थे कि कैसे जो हेल्थ कर्मी हैं वो घर घर जाके लगा रहे हैं वैक्सीन, तो वो सर कैसे काम हुआ कि इतना तेज़ी से ये नंबर जो है हमने अचीव किया? जब फर्स्ट वेव चल रहा था जी, लोग दहशत में थे और डेवलप्ड कंट्री में भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते थे। उस वक्त
मोदी जी ने लॉकडाउन दरमियान थाली बजाई जी और हमारा हेल्थ कर्मियों को प्रोत्साहित किया, ताली बजाई हमारा हेल्थ कर्मियों को प्रोत्साहित किया, हमारा एयरफोर्स के हवाई जहाज से फूल बरसाए, हमारे हेल्थ कर्मियों के ऊपर फूल बरसाए जी, उसका हौसला बढ़ाया। तब मेरे देश के हेल्थ कर्मियों ने लगा कि हमारी जिम्मेवारी है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी हमें सराह रहे हैं, इसलिए हमारे हेल्थ कर्मियों का हौसला बुलंद था। आपने देखा होगा हमारे कोई हेल्थ कर्मी, ए डॉक्टर हो, ए नर्सिस हो, ए पैरामेडिक स्टाफ हो, किसी ने अपनी जान गंवाई लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी। ये भी देश की एक विशेषता है, ये भी देश की एक उपलब्धि है, और उसका एक ही रीज़न है, उसकी उसकी स्वयं की ताकत और उसकी सोसाइटी को कितनी आवश्यकता है, सोसाइटी उसको कितना रिगार्ड करती है, ये मोदी जी ने उसको प्रोत्साहित करके दिखाया। दूसरा, कोविड क्राइसिस में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा था जी, उसका हौसला बुलंद रखने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे सारे देश में जी, सरकार की ओर से, एनजीओ की ओर से, सोसाइटी की ओर से। दूर सुदूर हिमालयन रेंज जम्मू कश्मीर में बर्फ हो, वह हमारी हेल्थ कर्मी बहन, नर्सिस बहन चलते चलते जाती, आपने वीडियो में देखी हो, एक एक घर घर जाती। हमारे राजस्थान में जी रेगिस्तान, प्रधानमंत्री जी ने उस दरमियान एक चल रहा था अभियान, उसमें और तेजी लाने के लिए कहा कि हम हर घर दस्तक कार्यक्रम करेंगे। हर घर दस्तक यानी कि हम हर घर जाएंगे, किसी ने टीका नहीं लगाया है उसको टीका लगाएंगे, नहीं लगाने चाहते तो उसको प्रोत्साहित करेंगे लेकिन उसको टीका लगाएंगे ही। मोदी जी ने कार्यक्रम दिया हर घर दस्तक, और हमारे हेल्थ कर्मियों का हौसला और बढ़ गया और वो निकल गए राजस्थान के रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में, ऊंट पर बैठ के 3-3 घंटे ऊंट पर सवारी करके, 3 फैमिली रहता है, 4 फैमिली रहता है, वहाँ हमारे हेल्थ कर्मी पहुँचे। कोई दूर सुदूर, हमारे तो कई आइलैंड हैं जी जी, तो आइलैंड में शिप में बैठ के हमारे हेल्थ कर्मी बैठे एक एक परिवार के लिए, और हमारे रिवर फ्रंट, हमारे इनलैंड वाटरवेज है जी, कई ऐसे क्षेत्र है जो छोटे छोटे आइलैंड में बटा हुआ है जी, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड छोटी सी बोट में जाके टीका लगा रहे थे। ऐसा करके हमारा हमारे हेल्थ कर्मियों ने एक एक घर पे जाके दस्तक दे दिया और टीका लगा दिया। आपने देखा होगा जी, डेवलप्ड कंट्री में भी एजिटेशन होता था जी, लोग विरोध करते थे, कई डेवलप्ड कंट्री में लोग रोड पे निकले, आपने नजदीक के समय में भी देखा जी, एक केवल मास्क लगाने के लिए कहा जी, तो कंट्री की क्या हालत हो गई। लेकिन इंडिया में अपने नेतृत्व के प्रति जनता की श्रद्धा थी, हमारे नेतृत्व हमें जो कहते हैं वो हमें सही ही कहते हैं जी, हमारे स्वयं के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कहते हैं जी, और इसलिए मुझे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जनता के सामने आके, वो चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करते हो, चाहे पब्लिक को एड्रेस करते हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम को एड्रेस करते हो, जहाँ भी प्रधानमंत्री कहते हैं और जो दिशा निर्देश करते हैं वो साइंटिफिक बेज के आधार पर कहते हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और देश के नागरिकों ने किया, दुनिया देखती रह गई कि इंडिया में ड्यूरिंग लॉकडाउन कोई एजिटेशन नहीं जी। देखो इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, बिल्कुल सही है सर, गरीब भी है, अमीर भी है, हर दिन कमाई करके हर दिन खाने वाले लोग भी है, लेकिन सरकार की ओर से सरकार ने प्रयास किया, एक भी व्यक्ति को भूखे सोने की नौबत ना आई, इसलिए सभी को फ्री रेशन दिया जी, उसको रेशन खाना दाना मिल गया। सरकार की ओर से प्रयास किया, सोसाइटी ने अपनी ओर से भी प्रयास किया, और देश के नागरिकों ने अपने पड़ोस में कोई भूखे ना सोए मदद की सबकी, उसका भी ख्याल रखा, तब जाके देश ये कोविड क्राइसिस के सामने सफलता से लड़ पाए। मुझे लगा कि कोविड जो है उसकी वजह से देश एक बार वापस एकजुट हो गया, सब लोग एक साथ है, अवश्य देश ये हिंदुस्तान की दूसरी तासीर है जी, उसको सही नेतृत्व, सही मार्गदर्शन होता है तो देश सही मायने में क्राइसिस की स्थिति में एकजुट होके क्राइसिस के सामने लड़ते हैं, जो कोविड के सामने हमने लड़ के दिखाया। तो मतलब हम देखते हैं ना कि जिस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत जब हुई तो काफ़ी आलोचनाएं भी हुई इसके बारे में, काफ़ी लोगों के मन में संदेह भी था, लेकिन उसके बावजूद सब चीज़ों को आगे पार करते हुए 97% जो अचीव किया है गवर्नमेंट ने, आई थिंक वो काबिल तारीफ है अपने आप में, जिस तरीके से सबको मतलब समझाते हुए, प्रोत्साहित करते हुए जो आपने बताया पूरी बात।
सर, इसी बात पे अब खैर फिलहाल हम देख रहे हैं कि टीकाकरण काफ़ी तेज़ी से हुआ है, 177 करोड़ जो हैं वो भी हम अचीव कर चुके हैं, कोविड के मामले जो हैं वो भी नियंत्रण में हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पैरामेडिक्स हैं, जो सब इस लड़ाई में आगे फ्रंट लाइन में खड़े होकर लड़ रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो? जो हमारे हेल्थ कर्मी हो, जिन्होंने 2 साल से लगातार मेहनत करके देश की हेल्थ की सुरक्षा की है, इसलिए देश हमारे हेल्थ कर्मियों का ऋणी भी है और देश हमारे हेल्थ कर्मियों के साथ हर संभव है, उसको आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, भविष्य में वैसे ही सम्मान करते रहेंगे, आप अपनी ड्यूटी के आधार पर देश की सेवा करते रहेंगे, यही मेरा संदेश। हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि हमारे देश को हम बचा के रखें और ऐसे जब कोई संकट आता है तो आगे मिल के आगे बढ़ें और स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जब देश के सामने क्राइसिस होती है तब राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। देश के सामने जब क्राइसिस होती है तब क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए देश को एकजुट होके बिल्कुल काम करना चाहिए जी। और इस बार कई हमने कटु भी अनुभव रहे, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है जी, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वाणी स्वतंत्रता का उपयोग किसी ने इस दृष्टि से भी किया है जो नहीं करना चाहिए जी। ये विषय पॉलिटिक्स की जगह पे होना चाहिए जी। लेकिन कई लोगों ने कहा कि बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी का वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन अच्छा होता तो मोदी क्यों न लेता, मोदी ने वैक्सीन ले लिया तो कहा कि मोदी ने क्यों ले लिया, अभी देश को तो बाकी है, ये सब कमेंट भी आई बिल्कुल सही था। लेकिन भी आपने देखा होगा सरकार की ओर से ना प्रधानमंत्री ना कोई मंत्री ने कभी कोविड क्राइसिस में कोविड पर राजनीति नहीं की। बिल्कुल सही बात, ये सेवा का काम है, वो जिम्मेवारी है और देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी है और हर नागरिक को उसके सामने लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं कि पार्टी के सामने जी। इसलिए हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी के सामने इन लड़ाई को डाइवर्ट नहीं होने देने की बहुत कोशिश की, कई लोगों ने तो भी बहुत कुछ छोटा मोटा किया उसको मुबारक, लेकिन हम मोदी जी के नेतृत्व में अड़े रहे और देश की हेल्थ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सर, जब मैं आपसे मिला था पिछली बार तो आपकी टेबल पे एक बुक रखी मैंने देखी थी, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, तो मेरी नज़र थी आसपास, मैं देख रहा था कि आपने कहाँ क्या रखा है, तो क्या आप वो किताब पढ़ रहे हैं अभी या किस बारे में? ए नेशन टू प्रोटेक्ट जी, ये बुक मैंने पढ़ लिया जी और मैं आपको भी दूंगा जी, आप भी पढ़िए। ये बुक देश को कैसे बचाया, देश में कोविड मैनेजमेंट कैसे हुआ, देश में वैक्सीनेशन कैसे हुआ, उसकी तवारीख है और उसकी इनसाइड स्टोरी है, और इसलिए नहीं केवल आपको लेकिन सारे देश के नागरिकों को ये पढ़ना चाहिए, उसको गौरव महसूस होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, जिस देश के लीडर ने देश को कैसे बचाया जी। देश को बचाने में जब मोदी जी देश को बचाने में लगे थे जी, तब कैसी कैसी राजनीति हुई और उसको विफल करने के लिए कैसा कैसा प्रयास हुआ, ये सारी स्टोरी ये बुक में है, और इसलिए आप ये बुक को अवश्य पढ़िए और सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करिए। बिल्कुल सही है सर, मैं आप सभी को बोलता हूँ कि ये जो किताब है, अगर इसका कुछ ऑनलाइन लिंक होगा तो मैं दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप पढ़िए, वरना आसपास जहाँ मिलती है वहाँ से लेके पढ़िएगा। सर, वैसे हम बात कर रहे थे अभी कोविड की और पूरी, आप तो खैर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखते ही हैं, सर आपकी भी हेल्थ मुझे काफ़ी जो है वो एकदम आप फिट नज़र आते हैं, मैंने भी पिछले कुछ सालों में कुछ वजन वगैरह घटाया है अपना, सर कुछ दीजिए प्रेरणा अगर कि क्या राज है इसके पीछे। गौरव, मेरी फिटनेस का और कोई सीक्रेट नहीं है, केवल एक ही सीक्रेट है जो मैं रेगुलर साइकिलिंग करता हूँ जी, और साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, आपको सर ग्रीन एमपी भी कहा जाता है। हाँ, मैं रेगुलर 2012 में पार्लियामेंट में आया तब से आज तक जी साइकिल लेके ही पार्लियामेंट जाता हूँ। मैं अवश्य मानता हूँ कि आपको दूर जाना है, तुरंत ही जल्दी जाना है, हर जगह मुमकिन तो नहीं, आप फोर व्हील का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको नज़दीक जाना है, आपके पास समय है तो आपको साइकिलिंग का उपयोग करना चाहिए, एक आपके फिटनेस के लिए साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज जी। सेकंड, पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी उसमें से हमें मिलता है, खर्चा बचता है, यही मेरी फिटनेस का सीक्रेट है। और कुछ एक और फायदा है कि साइकिल की मेंटेनेंस भी कम पड़ती है, मेंटेनेंस भी कम होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा था अभी सर के साथ जो ने बातचीत की, आपको काफ़ी जो सवाल मैंने पूछे वो हो सकता है आपके मन में भी होंगे और आपको सभी के जवाब मिले होंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे कभी और जब मौका मिलता है तो आपसे ऐसी कहानियाँ सुनेंगे कि कैसे जो है वो सरकार काम करती है और किस तरीके से जो है वो लोग एकजुट होकर जब आते हैं तो कोई भी अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत हो तो उसके सामने हम जीत हासिल कर सकते हैं। थैंक यू गौरव, थैंक यू, थैंक यू। मेरे भारत का ये विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है,
भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।